जैसे ही कोई बच्चा आया ना बीच में, तो फोटो आया ना बीच में, जो फोटो आया था ना एक बड़ा, तो आप क्या पर क्लिक कर देना, ये स्क्रीन दिख रहा है आपकी, इस पर क्लिक कर देना तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, और वो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा नहीं
इनसे भैया दीपक जी को भेजना तो नहीं होगा आपने इस तरीके से नमक का दौरा दौरा पद जब उनको मिल गया तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने जब देखा कि उनको अच्छा पद मिला है तो जो उनके जो पड़ोसी थे वो जलने लगे थे और जो महाजन थे वो गर्म पड़ रहे थे। अब आगे जो हम पैरंगा में पढ़ रहे थे वो था जाने के दिन का समय, यानी वंशीधर को काम करते करते 6 महीने बीत चुके थे, 6 महीने से अधिक हो गया था और अफसरों को उन्होंने अपने काम के बारे से ये नहीं आ रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब इसमें यह है कि जाड़े का समय था, रात का समय था, जो नमक के सिपाही थे वो नशे में मस्त थे ऐसा लिखा है। फिर जीदर को 6 महीने हो गया था लेकिन अब सब उन्होंने अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता से अपने नाम शेयर कर दिया था। अब क्या होता है, एक दिन जो नमक का जो दफ्तर था उससे कुछ दूरी पर एक नदी जमुना नदी, उस जमुना नदी में एक पुल बना था और वो पुल बना था नाव के ऊपर, यानी नावों का एक पुल बना हुआ था। एक दिन जब दरोगा जी अपने दफ्तर में आराम कर रहे थे उन्होंने उन्हें कुछ आवाज सुनाई। वो आवाज क्या थी ये सुनकर आवाज जब आई गड़गड़ाहट की जैसे की गाड़ियां जाती, जब उनको आवाज आई तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और हाथ में तमंचा छोटा सा पिस्तौल वो लेके अपने घोड़े पर सवार होकर के वो नदी के ऊपर गए। नदी में की ओर जब वो जा रहे थे तो उन्हें बलरामों का फूला हुआ गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई गई और जब देखा वास्तव में नदी पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं गाड़ियां जा रही हैं, ने गाड़ी वालों को रोक दिया और पूछा कि ये किसकी गाड़ी है। तो कईयों ने तो जवाब नहीं दिया, किसी ने हिम्मत करके कहा पंडित अलोपी दी, यानी पंडित अलोपी दी की गाड़ियां है। अब आपको ये समझ में आएगा कि नमक का दरोगा में तीन किरदार, किरदार मतलब पात्र, पहला मुंशी जी, दूसरे है बंशीधर और तीसरे है अलोपी दी। इन तीनों के अंतर्गत ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी हो गई है। अब अलोपी तीन जब नाम आता है तो फिर वो पूछते हैं कि इस गाड़ी में क्या है, तो तभी जवाब नहीं मिलता तो वो अपना घोड़ा एक गाड़ी की तरफ पर जाते हैं और बोरी में ठटोलते हैं, लेकिन क्या है तो देखते हैं उसमें नमक की बूंदियां रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दूँ, जो जितने गाड़ी बांध रखते हैं वो सब उनको कहते हैं कि आप जाने दो आगे, क्योंकि आरोपी तीन जो है वो बहुत बड़े जमींदार पैसे वाले इंसान हैं तो आप उनकी गाड़ी को मत रोकिए। लेकिन मछीधर जो है वो उनकी बात को नहीं सुनते। फिर क्या कहा है कि आरोपी दीप के पास खबर आती है कि एक नया दरोगा आया है जिसने गाड़ियों को रोका है। आरोपी दीप सोचते हैं कि नया नया है तो थोड़ा सा पैसा दूंगा और ये मेरी गाड़ियों को आगे जाने देगा। आरोपी दीप आते हैं, आरोपी दीप कहते हैं कि भाई हमसे थोड़ी दूर हो गई हो तो आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। दरोगा कहते हैं कि नहीं आप ये गाड़ियां आगे नहीं जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि ठीक है अगर आप पैसे नहीं जाने दे रहे हैं, मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार और रिश्वत मत के विभागों पर चलता, तो यहाँ पे वही बात है कि आरोपी दीन बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित थे, जमींदार थे, वो पैसों के दम पर किसी को भी खरीद
सकते थे, तो उन्होंने वंशीधर के सामने भी इसी तरीके से बात की। उन्होंने 30,000, 40,000, 50,000 इस तरीके से उन्होंने रकम बताई। सबसे पहली रकम 10-20 से बढ़ते गए। उन्होंने देखा कि मैं जितना ज्यादा रकम बढ़ाऊंगा शायद व्यक्ति की उतनी भूख होगी, तो ना जाने किस रकम पर मुझे कहेगा कि हाँ ठीक है आप मुझे गाड़ी ले जा सकते। वंशीधर पर पैसों का जा जो मोह था वो नहीं चला। वंशीधर ने साथ मना कर दिया कि मैं आपको हिरासत में लूंगा। हिरासत का मतलब गिरफ्तार करूंगा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आरोपी जी बहुत समझाते हैं कि देखो कोई भी ऐसा पैसा वैसे का काम हो तो आप मेरे से पैसा ले लो और मुझे मेरी मेरी गाड़ी के साथ रवाना कर दो, लेकिन वो नहीं मानते, कहते मैं आपको हिरासत में लूंगा। और इस तरीके से वंशीधर ने आरोपी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब जब वंशीधर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, उस समय की बात हो बताते हैं कि जब न्यायालय में पेश किया गया उस समय आरोपी दीन जो सिर झुकाकर तो आए थे, लेकिन न्यायालय भी बिका हुआ था। किसके हाथ बिका था? आरोपी दीन के हाथ बिका था। अब जब आरोपी दीन के हाथ बिका हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि फिर न्याय कैसे, क्योंकि दरोगा जो थे वो ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और उन्होंने हमेशा बुराई को कभी अपने जीवन में आने नहीं दिया था। रिश्वत खोरी की तो बात की बात है, कोई उनको रिश्वत दे भी नहीं सकता था। तो ऐसा व्यक्ति जो था तो आप सोच सकते कि न्याय हो उसको, उस न्यायालय में उस अदालत में क्या उनको न्याय मिलता नहीं मिलता ना। आज के समय में भी अगर हम वो समय देखें तो था अंग्रेजों का शासन और आज के समय में देखें जब हम 2020 में चल रहे हैं तो ये भी स्थिति है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज की जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो अपने पैसे से रिश्वत से सामने वाले को खरीद लेता है और न्याय करा कर रह जाता है। कलों की दिन के साथ यही होता था, पैसों से अपना काम करा लेता था। तो न्यायालय में जितने वकील थे, जितने लोग थे, जो न्यायाधीश भी थे, वो भी उनके हाथ बिके हुए थे। वंशीधर को इतना बात इतनी बात पता थी कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ, सत्य की जीत होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, वही वंशीधर को विश्वास भी था कि मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैंने ईमानदारी की है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है और मुझे इसका कोई भी फल मुझे मत। उन्होंने ये सोच लिया था अच्छा या बुरा, उन्हें पता था कि ये जो समय है ये है पैसों का समय है, जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, मेरे पास ईमानदारी ईमानदारी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरीके से वंशीधर न्यायालय में जीत गए, क्योंकि जब न्यायाधीश ने कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है आरोपी दीन बहुत पैसे वाले व्यक्ति है तो हम ये कैसे उम्मीद कर रहे कि उन्होंने नमक की चोरी की। जिसके पास पैसा होता है वो कभी किसी प्रकार की चोरी नहीं कर सकते। बोले ठीक है वंशीधर जो है ईमानदार है कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई। तो गलती क्या है कि उन्होंने आरोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आरोपी दीन ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रतिष्ठित जमींदार है, बहुत पैसा है। क्योंकि जब पैसे वाला व्यक्ति इसे पैसा का अधिकार नहीं करेगा, ऐसा करके उन्होंने अपना जो फैसला था वो सुना दिया कि वंशीधर के कार्य में जो है वो सही नहीं है, उनको आरोपी दीन से माफी मांगनी चाहिए। और इस तरह से जो न्याय का जो पक्ष था वो आरोपी दीन के पक्ष में आ गया। और ऐसा लग रहा था जैसे कि पंडित आरोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को परास्त कर दिया है, क्योंकि न्यायालय में जितने भी वकील थे जितने भी काम करने वाले थे वो
वो सब किसकी प्रशंसा कर रहे थे, अनुमिति की प्रशंसा कर रहे थे और इन पर व्यंग कस रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ इनको बुलझने की क्या जरूरत पड़ रही थी। लेकिन वंशीधर को नौकरी भी छोड़नी पड़ी इसी वजह से, और जब अनुमिति जब अदालत से बाहर आए तो उनका सिर ऊंचा था, उनकी तो जीत के आए थे, और वंशीधर जो ईमानदार थे वो सच का साथ दे रहे थे, उनका सिर झुका हुआ था और वो जब वहां से आ रहे थे तो उनके ऊपर हंस रहे थे। और फिर उनकी नौकरी चली गई, नौकरी चले जाने पर लोगों के ताने तो वो सुन ही रहे थे, लेकिन जब घर आए तो उनके पिताजी भी कम नहीं हो गए। उनके पिताजी ने भी बहुत कुछ कहा कि तुमको क्या जरूरत थी इतने बड़े व्यक्ति के साथ उलझने की, अब हम भी नहीं रही, अब तुम नौकरी से भी हाथ धो बैठे हो, अब अपना घर कैसे चलेगा, लड़कियों का क्या होगा, मैंने तुमको कितना समझाया था लेकिन तुम नहीं समझे। ऐसा करके बूढ़े मुंशी भी हैं वो अपने मन की जो भड़ास थी वो वंशीधर को बोलते हैं, लेकिन वंशीधर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, केवल सिर झुका कर खड़े रहते। अचानक पंडित अरुणी की जो गाड़ी है जिसमें बोलते हैं बहुत सुंदर गाड़ी थी एक रथ के समान, और वो उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। पंडित अरुणी की जब अपने रथ से बाहर निकलते हैं तो बूढ़े मुंशी जी सोचते हैं कि अब इतना बड़ा व्यक्ति घर आया है, कुछ ना कुछ ना कोई दूसरी सजा मिलने वाली, लगता है आपको अपना ये घर छोड़ के जाना है, तो बहुत डर गए थे। वो अगवाने के लिए अलौकिक जी के पास आए, उनका सत्कार किया, उन्हें घर के भीतर ले गए। उन्होंने क्या कहा था कि मैं तभी आऊंगा, या मैं मुझे वंशीधर जो तुम्हारा बेटा है उसको उससे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो क्या कहते हैं कि मैं उसे अपने यहाँ पर मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। ये आश्चर्य की बात थी कि अलौकिक जी जिसको वंशीधर ने हिरासत में लिया था, हाथ में हथकड़ी डलाई थी, वही व्यक्ति उनके घर आकर वो कहते हैं कि अपनी सारी जायदाद जितनी भी मेरे पास संपत्ति है मैं उसमें उनको अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। ये मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जब तक आप मेरी इस विनती को स्वीकार नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा वंशीधर के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ईमानदारी का फल आखिरी में अच्छा ही निकला, अच्छी बात हुई, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति मिलते कहा। और वही बात अनुपी दिन को समझ में आ गई थी। क्या समझ में आ गई थी कि अगर मैं ये जितने जो लोग हैं जो मेरे आस पास घूम रहे हैं मेरे पैसों के गुलाम, अगर वो पैसा नहीं हो तो कोई नहीं, लेकिन इनमें से एक भी ईमानदार नहीं, सब बेईमान हैं, सब बिके हुए हैं, तो इसलिए। और ईमानदार व्यक्ति कौन नजर आया, केवल वंशीधर, कि उसके ऊपर इतने कटाक्ष हुए, इतने व्यंग छोड़े, इतने लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उसने मतलब अपने आप को नीचे नहीं गिराया, मतलब वो अपनी स्थिति से डर मंगाया नहीं, उसने सोचा मैं सच का साथी चाहे कुछ भी। और इस रीति से अलोपी दीप समझ गए थे कि ऐसा व्यक्ति मुझे इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं दिखा, और मेरे पास जितनी संपत्ति है मैं जो मैनेजर बनेगा वो ऐसा ही होना चाहिए। और उन्होंने आखिरी वो कहानी हमारी चलती है, उस आखिरी में एक अच्छा सुखद अंत ये होता है कि वंशीधर को अलोपी दीप जो है वो अपनी यहाँ पूरी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिए। फिर क्या है, क्योंकि सबसे लास्ट में क्योंकि मैंने आपको भेजा था कि क्योंकि पंडित अलौकिक जी की दृष्टि में कर्तव्य निष्ठ सत्य के मार्ग पर चलने वाले और अडिग रहने वाले मूर्ति के समान होते हैं, मतलब इतने मार्ग ही तो थे, इंसान की परत थी। उन्होंने सोचा था कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मोती के समान होता है। अगर हम सच्चा मोती देखें तो बाजार में हमको बहुत सारे नकली मोती, सच्चे मोती की शक्ल में नकली मोती ज्यादा मिलेंगे,
संजय मूर्ति की पहचान कैसे होगी, जो उसका बाकी होगा। आज हमारे सामने दो मूर्ति भी रखते हैं, हमें बोले तो कहा जाए कि इसमें से सच्चा मूर्ति कौन सा है, तो शायद हमको नहीं पता, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हम इतने बाकी नहीं। लेकिन आरोपी जी जो बेईमानों के बीच में रहता था, उसको ईमानदारी की कदर थी और ईमानदार कैसे होते हैं ये वो अच्छे तरीके से जानता था। अलोपी दीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद में स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था। लास्ट में उनके लिए बताया है क्या है, पढ़ती हूँ। अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उत्तर कठो परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए। क्या कह रहा है वो, कि मैं वैसा ही चाहता हूँ जैसा आप मुझे उस दिन मिले थे जब आपने मुझे गिरफ्तार किया। कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ आप उत्तर भी थे, आप डरे नहीं, आप कठोर भी थे, आप बेमुरव्वत भी थे, आपने मुरव्वत देखी, आपने नहीं सोचा कि ये बहुत बड़ा इंसान है तो मुझे इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुझे वैसा ही करना चाहिए। आगे कहता है, वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आरोपी जी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगाया। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। क्या सोच के आंसू आए थे कि मैंने इनके साथ बुरा किया, क्योंकि मैंने जब ये कार्य किया तब मैं एक उपदेश से बंधा हुआ था, मेरे कर्तव्य थे। अब मैं एक आम इंसान, और एक आम इंसान बहुत कमजोर होता है ना, तो जब देखा कि आरोपी दीन ने मुझे अपने हाथ पे इतना बड़ा पद दिया है, मेरे हाथ में सब कुछ दे दिया है, यानी वो कुछ नहीं देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना विश्वास किया है, तो अच्छी तरह की आंखों में आंसू आ गए थे। हृदय संकुचित हो गया था और उसमें ऐसा लग रहा था ये बहुत बड़ा एहसान है जो मुझ पर किया जा रहा है। और उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा और भक्ति से देखा और कांपते हुए हाथ से उस मैनेजर के कागज पर जो आरोपी दीन ने उनके हाथ में दिया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आरोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर यानी खुश होकर उन्हें अपने गले से लगा दिया। ये हमारी कहानी थी और कहानी का एंड हो गया। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये कहानी बताई है, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ जब हम क्लास हमारी चलेगी तो हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब एक काम और करेंगे कि कल क्वेश्चन आंसर देख लेना, तो मैं आपको आज दिन के समय में इसके क्वेश्चन है जो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं उनके आंसर भी बनाए हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उसको कॉपी में लिखना है और जो आंसर क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी, क्योंकि अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया, पार्ट एक अपना कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, जब स्कूल आएंगे तब मैं अपनी कॉपी चेक करूँ, इसलिए इसको सीरियसली लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगला लेसन जो है वो हमारे लिए मियां नसीरुद्दीन, अगर किसी किताब हो तो बहुत अच्छी बात है, किताब नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इसका भी मैं आपको पाठ का सार लिख के भेजूंगा। अभी मैंने कल जो सार भेजा था वो पूरा हो गया है, एक प्रकार से पूरा लेसन आपके पास आ गया है। अगर आप इसको किताब आपके पास नहीं भी हो तो आपके पास वो पूरा लेसन है जो एक शॉर्ट में है, एक अच्छे से हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ सार है, तो उसको आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लें। और आज जब मैं आपको वापस क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर भेजूंगी मोबाइल पे, तो आप उसको भी कॉपी में उतार, कितना बेटे करना है, एक ही बच्चा आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग चलेगी, ये आप सब बच्चों को के पास पहुंच जाएगी जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है।
तो आज का हमारे पास ये जो समय था ये पूरा कंप्लीट हो गया है और कल के लिए हम प्रश्नोत्तर एक बार आप कर लेना। कल हमारा दूसरा लेसन चलेगा, कौन सा लेसन चलेगा? मियां नसीरुद्दीन, ठीक है, मियां नसीरुद्दीन अपन कल लेसन पढ़ेंगे। वो आज का वर्ग हमारा इतना कंप्लीट हो गया। बंद कैसे होगा? फिर नहीं बंद हो रहा है, बंद कर दो ना। क्या क्लोज करना? क्लोज करना, क्लास खत्म हो गई, अब नई क्लास शुरू करनी है।